आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी पहली पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको पहला पार्ट देखना जरूरी है नेशनल इनकम को समझने के लिए, क्योंकि हम उसके आगे इसको वेरियस डीप में देख रहे हैं, क्योंकि बिना उस न्यूमेरिकल्स की वीडियो को देखे आप इसको नहीं समझ सकते। तो पहले आप वो देखिए, फिर इसको जरूर देखिए। कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो भी फैक्टर इनकम हमें रिसीव हो रही है ड्यूरिंग ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट और एंटरप्राइज से हमें रिसीव हो रहा है प्रॉफिट। ये चीज हमारी आती है फैक्टर इनकम में। और डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आज हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम हमें किस तरह से रिसीव होती है। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश की आए, मतलब हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं NDPFC। डोमेस्टिक इनकम हमको रिसीव होती है दो तरीके से। एक तो होती है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, एक होती है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं IPS और IGS, पर आपको एग्जाम में पूरा लिखकर आना है और आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, हमें जो इनकम हुई NDPFC को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर। एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर, दो तरीके से हमें डोमेस्टिक इनकम रिसीव हो रही है। और गवर्नमेंट के अंदर भी हम पार्ट को क्लासिफाई कर देते हैं। गवर्नमेंट के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस। IGS को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फ्रेंड्स, आपको ये चीज और क्लियर होगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया गया कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, IPS और IGS, तो हमारी मिल जाएगी हमें डोमेस्टिक इनकम। सपोज क्वेश्चन के अंदर मुझे IGS गिवन नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये दो चीजें गिनवान होगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको IGS मिल जाएगा। बात करते हैं प्राइवेट इनकम की। जब भी हमारे कैलकुलेशन के अंदर प्राइवेट इनकम आती है तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि हमें पांच चीजों का ध्यान रखना है। हम जब इन पांच चीजों का ध्यान रखेंगे हमें प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। देखते हैं वो पांच चीजें कौन कौन सी है। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IPS। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, रिसीव्ड माइनस पेड। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पांच चीजें जब हमें एग्जाम के अंदर आपको एज इट इज दिए होंगे, और जो चीज अगर आपको एज इट इज नहीं दी हुई है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व हो जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड। ये एक प्राइवेट इनकम का ही पार्ट होता है। पर्सनल इनकम हमारी ऐसी इनकम जो हम सारे सोर्सेज से, किसी भी सोर्सेज से कमाते हैं, वो हमारी पर्सनल इनकम कहलाती है। पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, ये पांचों चीजों को जोड़ने पे हमें प्राइवेट इनकम मिलती है। उसमें से हमें क्या लेस करना होता है, पर्सनल इनकम पे टैक्स जो हमें पे करना है, कॉर्पोरेट टैक्स, वो लेस होता है। प्लस गवर्नमेंट के पास हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, सेविंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उनको हम लेस कर देते हैं, तो हमारी पर्सनल इनकम आ जाती है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हमारी पर्सनल इनकम जिनको हम हर सोर्सेज से अर्न करते हैं, उसमें हम क्या लेस करेंगे, हम एक तो गवर्नमेंट को जैसे हम पर्सनल टैक्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमारा पर्सनल टैक्स है, वो हम इसमें डिडक्ट करते हैं। और हमारे मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि फीस, फाइन्स, जो भी गवर्नमेंट हमसे लेती है उसको हम मिसलिनियस रिसिप्ट बोलते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी निकल जाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया हो इस फॉर्म में पर्सनल टैक्स और मिसलिनियस, तो आप उसको माइनस करके निकाल सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला भी है निकालने का, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं।